चलिए तो अब हम शुरू करते हैं थायोसल्फेट। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जब हमने पढ़ा था सल्फाइड आयन, तो सल्फाइड आयन का एक टेस्ट था कैटेलिटिक एजाइड टेस्ट। तो कैटेलिटिक एजाइड टेस्ट जो होता है उसको थायोसल्फेट और थायोसाइनेट इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर का मतलब ये होता है कि ये दोनों भी वो कैटेलिटिक एजाइड टेस्ट देते हैं। इंटरफेयर करते हैं का मतलब क्या निकालोगे कि ये दोनों भी कैटेलिटिक एजाइड टेस्ट देते हैं। अगर ये दोनों भी कैटेलिटिक एजाइड टेस्ट देंगे तो सोचो क्या होगा। ये दोनों भी अगर टेस्ट देंगे तो सल्फाइड है या नहीं है, सल्फाइड ने टेस्ट दिया ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो पहले इनको निकाल लेंगे, इंटरफेयर करते हैं इस टेस्ट को। ठीक है, एक मैंने आपको लिखा था इंटरफियरिंग रेडिकल, वो अलग होते हैं, वो फिक्स है। इंटरफियरिंग रेडिकल उन्हें कहा जाता है जो थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप कैटायंस को इंटरफियर करते हैं। यहां इंटरफियरिंग रेडिकल्स नहीं है, ये इस टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं बस। ठीक है, अगला देखो। एक और आपको ऐसा कैसे टेस्ट बताया था, जिंक नाइट्रोप्रोसाइड वाला, ये पढ़ाया था सल्फाइट आयन में। जिंक नाइट्रोप्रोसाइड ऐसा था, और इसमें जब आपने मॉइस्ट SO2 पास किया था तो मॉइस्ट SO2 पास करने पर आपके रेड कलर का कंपाउंड आया था। ये मॉइस्ट SO2 पास करने पर क्या आया था, रेड कलर कंपाउंड। और अगर ये रेड कलर कंपाउंड आया था तो हमें पता लग गया था कि सल्फाइट है। इस टेस्ट को भी थायोसल्फेट और सल्फाइड ये दोनों इंटरफेयर करते हैं। तो अगर आपको सल्फाइड का टेस्ट लगाना है इसके लिए तो पहले इनको हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए सबसे पहले हम इसमें HgCl2 डालते हैं और हल्का सा बॉईल कर देते हैं। तो HgCl2 डालने पर पहले बन जाता आपका ये मरकरी थायोसल्फेट। क्या बन जाता है, मरकरी थायोसल्फेट। और फिर जब हल्का सा हीट कर रहे थे ना अपन, तो ये तुरंत फिर टूट जाएगा इसमें HgS+H2SO4, और ये HgS ब्लैक आ जाएगा। यहां पर भी जब आप HgCl2 से रिएक्ट करेंगे और बॉयल करेंगे तब भी HgS ही रहेगा, क्योंकि ये नहीं टूट रहा आसानी से। ठीक है ना, तो यानी कि जब इन दोनों की रिएक्शन होती है और HgCl2 डालते हैं तो उसके अंदर HgS बन जाता है, और HgS जो होगा वो PPT होता है, ब्लैक ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया। इसको फिल्टर कर लेते हैं, तो फिल्टर करने से ये PPT तो बाहर आ गया, यानी कि थायोसल्फेट निकल गया और सल्फाइड भी निकल गया। अब अगर अंदर होगा तो सिर्फ सल्फाइट होगा। सल्फाइट के लिए फिर इस टेस्ट को करते हैं, क्लियर। ये दोनों भी इंटरफेयर करते हैं, क्लियर। अब ये क्यों बताया अभी, क्योंकि अगला आयन हम पढ़ रहे हैं थायोसल्फेट। तो मैं अगर यहां रिएक्शन लिखवाता इतनी सारी तो फिर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते, तो रिएक्शन वहां लिखी हुई है ही सही, अपन ने बोल दिया। ठीक है, चलिए थायोसल्फेट सबसे पहले सॉल्युबिलिटी। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ए सॉल्युबल, क्या बोला था, फर्स्ट ए सॉल्युबल। सेकंड ए की बात करें अगर अपन, ये तो ये तीनों जो होते हैं वो होते हैं सॉल्युबल। ठीक है, ये होता है आपका स्पेरिंगली सोल्यूबल, और ये होता है आपका इनसोल्यूबल। तो यानी कि आप देखो ध्यान से, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सोल्यूबल। स्ट्रॉन्शियम वाला क्या होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल, और बेरियम वाला क्या होगा, इनसोल्यूबल। ठीक है, तो सेकंड डे के अंदर इसका मतलब सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपन बाकी की। तो बाकी में बेरियम तो मैंने ले लिया, इनसॉल्युबल है। बेरियम के अलावा और कौन कौन इनसॉल्युबल है देखो आप, तो बेरियम हो गया, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, बिस्मिथ हो गया, HG हो गया और कॉपर हो गया। सारे के सारे क्या होंगे इसके, इनसॉल्युबल।
सारे के सारे क्या होंगे? इनसॉल्युबल। इसका मतलब ये सारे पीपीटी आएंगे, ठीक है। पीपीटी जो आएंगे उनका की पॉइंट दे देता हूं, पहले व्हाइट पीपीटी होते हैं सारे, सारे थायोसल्फेट व्हाइट, बेरियम थायोसल्फेट बोलो व्हाइट, लेड थायोसल्फेट बोलो व्हाइट, सिल्वर थायोसल्फेट बोलो व्हाइट, बिस्मिथ थायोसल्फेट बोलो व्हाइट, मर्करी थायोसल्फेट बोलो व्हाइट, कॉपर थायोसल्फेट बोलो व्हाइट, ये सारे व्हाइट होंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लो फटाफट से, ये आपका पहला हो गया सॉल्युबिलिटी कंप्लीट। इसको अच्छे से लर्न करना सॉल्युबिलिटी को। अब सॉल्युबिलिटी के बाद पहला टेस्ट आता है टेस्ट विद एसिड। टेस्ट विद एसिड। अब टेस्ट विद एसिड की बात करें तो देखो, सबसे पहले हम थायोसल्फेट में जब याद करो एसिड डालते हैं, तो एसिड डालने पर यह बनता था S प्लस SO2 और यह होता था व्हाइट और येलो पीपीटी। क्या होता था ये? व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट। तो ये व्हाइट या येलो पीपीटी होता है, इससे ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये समझना पड़ेगा। इसके लिए थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर हम समझते हैं। हमने पहले पढ़ा था 11th में ये थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर, देखो ये क्लियर। तो ये थायोसल्फेट होता है। अब इस थायोसल्फेट की अगर मैं सिचुएशन देखूं तो यहां पर आप देखो क्या दिख रहा है, ये एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, तो ये आपका sp3। यहां पर आप देखोगे सल्फर के पास छह इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक दो तीन चार पांच छह, एक सिग्मा ये है, एक लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है, तो ये sp2। तो यहां क्या आ गया, ये sp3, यहां क्या आ गया, ये sp2, क्लियर। तो ये sp3 है, ये sp2 है, क्लियर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है बताओ, sp2 की या sp3 की? तो आपको पता है सबको sp2 की ज्यादा होती है, तो sp2 अपनी ओर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये खींचेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, यहाँ इन दो इलेक्ट्रॉन खींचे तो क्या आएगा +2, ये भी तो खींचेगा एक प्लस, एक और जुड़ गया तो तीन, ये भी तो खींचेगा एक, एक और जुड़ गया तो कितना हुआ +4, ये ऑक्सीजन है, ये भी तो खींचेगा एक, दो और खींचेगा तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे +6, टोटल कितना आया +6। तो यहां अगर ध्यान से देखें तो ये सल्फर आपका +6 वाला है, ये सल्फर आपका -2 वाला है, तो इसका मतलब क्या निकला बोलो, +2 वाला, +6 वाला है और एक -2 वाला है, तो +6 और एक -2, दोनों सल्फर अलग अलग है, दोनों सल्फर एक जैसी नहीं है, दोनों ही सल्फर अलग अलग हैं, दोनों ही सल्फर अलग अलग हैं, ठीक है, आया ना। तो दोनों ही सल्फर अलग अलग है, इसीलिए यहां पर कुछ अलग हुआ है। देखो आप ये वाला सल्फर अगर ध्यान से देखते हैं आप, तो वो ये है और ये सल्फाइट है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सल्फाइट है, तो SO2 गैस निकल रही है, समझ में आया कुछ। ये आपका सल्फाइड है, मतलब सल्फर है, ये गया सल्फाइड आयन -2 हो गया ना सल्फर में, और ये सल्फाइट है, ये गया SO2 में, आया ना। क्लियर। यानी कि यहां -2 से 0 हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? यहां +6 से आपका +4 आया, तो ये रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? यानी यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसका मतलब ये रिडॉक्स हुई कि नहीं हुई? हुई, तो यहां रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। क्लियर सबको यहां तक, ठीक है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन को समझो आप, कि जब हम थायोसल्फेट में एसिड डालते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना, थायोसल्फेट में जब हम एसिड डालते हैं तो इनिशियली कोई चेंज नहीं आता, बट थोड़ी देर बाद, आफ्टर फ्यू सम टाइम, तो थोड़ी जस्ट जस्ट जैसे कहते हैं थोड़ी देर बाद आपके क्या होता है, टर्बिडिटी दिखाई देना शुरू होती है सल्फर की, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सल्फर एंड H2SO3। ये सल्फाइड दिख रहा है आपको, एसिड डालोगे तो H2SO3 बनेगा नहीं बनेगा? तो वहां दो चीजें हो गई, धीरे धीरे सेपरेशन हो गया, एक तो सल्फर का
और एक आपका एसिड फॉर्मेशन हो गया H2SO3 का। एसिडिफाइड सॉल्यूशन मतलब हो गया एसिड बन चुका था, एसिडिफाइड सॉल्यूशन को वार्म करते हैं थोड़ा सा, वार्म करते ही SO2 बाहर निकलेगी। एसिडिफाइड सॉल्यूशन है उसको वार्म किया, वार्म करते ही SO2 बाहर निकलेगी। ये जो SO2 निकली है इसका भी आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन होगा इस SO2 का वो कैसे होगा कि SO2 को या तो MnO4- से पास करो आप, या फिर इस SO2 को आप जो है वो डाइक्रोमेट में से पास करो, या फिर आप जो है वो इस SO2 को Br2 वाटर से पास करो, या फिर आप जो है वो इस SO2 को बोलो IO3 से पास करो, और I2 बनेगा फिर स्टार्च से करोगे तो डीप ब्लू बनेगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन SO2 के अलग हो गए। ठीक, उसके बाद ये जो सल्फर बचा है कोलाइडल सोल्यूशन, ये धीरे धीरे कोएगुलेट होता है और प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता है, जिससे कि आपके येलो या व्हाइट PPT नजर आता है। ठीक है, ये येलो या व्हाइट PPT, अब PPT हो या टर्बिडिटी हो इसको आप कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, एक ही बात होती है एग्जाम में अगर दिख दिया PPT टर्बिडिटी तो आप सवाल गलत करिए आए, नहीं एक ही कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगती है तो टर्बिडिटी PPT में बदल जाते हैं। ठीक है, चलो दोबारा से सुनेंगे इसको वापस। एसिड डाला, इनिशियली नो विजिबल चेंज बट आफ्टर सम टाइम व्हाइट और येलो कोलाइडल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सल्फर एंड H2SO3। एसिडिफाइड सोल्यूशन या सोल्यूशन बिकम्स एसिडिफाइड, एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑन वार्मिंग एबोल्ड SO2 गैस विच इज आइडेंटिफाइड बाय अदर मेथड्स जो भी बताए। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कोएगुलेट होने लगेगा, सल्फर कोएगुलेट होने लगेगी और प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर, और प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर यानी येलो या व्हाइट कलर का PPT दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो। क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे देखो। अब यहां तक की बात होने के बाद इसमें एक खास बात और छुपी है, वो भी हमें देखनी है। कि अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का एक मैकेनिज्म और होता है, ठीक है, हर चीज के दो दो मैकेनिज्म होते हैं, हमारे सिलेबस में जो मैकेनिज्म है हम उसको फॉलो करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि यार ये सल्फर दोनों सेम है, सेम है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगी, क्योंकि सेम एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। तो कुछ लोग इसको यानी कुछ साइंटिस्ट इसको जीरो बोलते हैं और इसको सल्फर बोलते हैं +4 वाला, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और जीरो भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है, जो सिलेबस में है, जो रिएक्शन है, उन सब में सेंट्रल वाला +6 होगा और -2 वाला होगा, इसलिए आपको ये सब नहीं सोचना है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन दिया है मैंने। ठीक है, और इसी मैकेनिज्म की वजह से एक लाइन और आती है जो मैं बता रहा था कि पैरेलली थायोनिक एसिड ऑल्सो फॉर्म्ड इन द टेस्ट विद एसिड, जो हमने पढ़ा था थायोनिक एसिड ऑल्सो फॉर्म्ड। अब ये लाइन आपको दिमाग में रही, ऑप्शन आ गया अगर कि क्या पैरेलली इसमें थायोनिक एसिड बनता है क्या, तो आप टिक कर देना यार, बस आपको बाकी कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। ठीक है, +4 और जीरो होता है अगर कहीं देखो तो आपको पता है कि हाँ यार होता है, लेकिन सर ने मना किया है कि नहीं सोचना हमें +6 और -2 ही सोचना है, तो बस -2 और +6 सोच लिया। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट विद एसिड। अब इसमें एक खास बात होती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पूछी जाती है। अगर मैं सल्फाइट लूं और ये सल्फर लूं, ठीक है, इस सल्फर को अगर मैं बॉईल कर दूं, मतलब इसको पूरे सॉल्यूशन को सल्फाइट और सल्फर को बॉईल कर दूं, तो बॉईल करने पर आपके जो है वो थायोसल्फेट बन जाता है। बॉईल करने पर क्या बन जाता है? थायोसल्फेट। बॉयल करने पर क्या बन जाता है? थायोसल्फेट। अब अगर मान लो मैंने ये रेडियो एक्टिव ले लिया तो ये भी रेडियो एक्टिव ही बनेगा। क्लियर, तो आपसे एक सवाल पूछा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अभव रिएक्शन। एक रिएक्शन दे दी आपको ऐसे पूरी की पूरी, और इस रिएक्शन के अंदर आपसे बोला है कि इसका जो है वो स्ट्रक्चर दो। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के देता हूं, आप ट्राई करो कौन सा होना चाहिए।
आपको दिया कि यार ये जो रेडियो एक्टिव सल्फर है ये यहाँ आके ऐड हुआ है, तो अब आपको बताना है कि क्या स्ट्रक्चर होगा इस कंपाउंड का। सोचो चलो फटाफट। देखो यहां पर आप देखो सल्फाइट और ये सल्फर जुड़ रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि थायो सल्फेट के अंदर दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है, दोनों सल्फर आइडेंटिकल नहीं है। नोट करके लिखना, इन थायो सल्फेट बोथ सल्फर आर नॉट आइडेंटिकल, यानी दोनों का नेचर एक जैसा नहीं, एक -2 वाली है एक +6 वाली, तो दोनों आइडेंटिकल नहीं है। लिख लिया, इन थायो सल्फेट बोथ सल्फर आर नॉट आइडेंटिकल, लिख लिया। अब इधर देखो, जब वो आइडेंटिकल है ही नहीं, तो मैंने अभी स्ट्रक्चर में भी आपको बताया था कि जब भी आप थायोसल्फेट बनाते हैं तो सल्फाइट अलग होता है, सल्फर अलग होता है, और जब रिएक्शन होती है तो ये सल्फर अलग निकल जाता है। आया ना, बताया नहीं बताया था क्या कि जब भी रिएक्शन होती है तो ये सल्फर अलग से निकल जाता है। आया ना, क्लियर? ये सल्फर अलग से निकल जाता है, ये सल्फाइट रह जाता है। तो जब वह रिएक्शन कराएंगे तो सल्फाइट और सल्फर जब मिलेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा ना, क्योंकि यही अलग से जाके जुड़ेगा यहां पे, ठीक है? ये अलग से जुड़ेगा, तो इसलिए ये रेडियो एक्टिव सल्फर यहां आएगा। ठीक, नोट कर लो इसको। अब एक रिएक्शन दे रहा है फिर से क्वेश्चन, कि आपको दे दिया उसने ये सोडियम थायोसल्फेट रेडियो एक्टिव प्लस डाइल्यूट H2SO4 दिया। रिएक्शन होगी तो आपको पता है S प्लस SO2 प्लस Na2SO4 होगा, तो वो सवाल पूछ रहा है कि इनमें से रेडियो एक्टिव सल्फर किस पर आएगा, ये जो स्टार है वो किस पर आएगा। ठीक है, कौन स्टार रख रहा है बताओ, सोचो दिमाग लगाओ। तो अभी अभी बताया था आपने कि जब भी थायोसल्फेट होता है तो ऊपर वाला जो होता है ना वही रखता है स्टार यहाँ पे, और स्टार अगर ऊपर वाला रख, ये उसी से चला आ रहा है सवाल, और ऊपर वाला जो स्टार रखता है तो स्टार वाला ही बाहर निकलता है एसिड में, यानी कि यही आएगा टेस्ट विद एसिड में जो स्टार बाहर निकले, बाकी सब में कहीं पर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं आएगी। तो यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फर कौन सा होगा इनमें से वो बता देंगे आप, तो आप बता देंगे सल्फर वाला ही होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे अगर पूछे जाए तो बता दोगे। तो अगर आपसे एक सवाल और पूछे कि अगर, अब आपको एक चीज पता चल गई कि अगर सल्फाइट आ गया और सल्फाइट को आपको कहा जाए थायो सल्फेट में कन्वर्ट करो, तो अब तो समझ में आ गया कि बॉईल कर दो सल्फर के साथ तो थायो सल्फेट बन जाएगा तुरंत। अच्छा एक बात बता, सल्फाइट जब हमने पढ़ा था याद है, अपन ने कहा था ब्रोमीन वाटर ले लो या फिर H2O2 ले लो, ब्रोमीन वाटर ले लो, H2O2 ले लो, या एक और कहा था मैंने कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट HNO3 ले लो, तो ये सारे के सारे इसे ऑक्सीडाइज करके कहाँ ले आए थे, सल्फेट में। और अगर इस सल्फेट को अगर मैं कार्बन से रिएक्शन कराऊं तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो रिडक्शन के बाद ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसको सल्फाइड में रिड्यूस कर देगा। तो आपने इस तरह से रिएक्शन के थ्रू सल्फर कंटेनिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया इनको, देखो किसमें कन्वर्ट कर लिया, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स में। तो सल्फाइट को थायो सल्फेट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे बताओ, सल्फाइट में सल्फर डाल के बॉईल कर दोगे, बॉईल करते ही थायो सल्फेट आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बोलो, अगर सल्फेट को सल्फाइड में लाना हो तो कार्बन डाल के उसका रिडक्शन करा देंगे, सल्फाइट को सल्फेट में डालना है तो ऑक्सीडेशन करा देंगे। इस पर पैराग्राफ बनता है, अच्छे से ध्यान से इंपॉर्टेंट है, याद करना है इसको। ठीक है, ये आपका टेस्ट विद एसिड समाप्त, टेस्ट विद एसिड से जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने इसी में बता दिया सब।
अगला है टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी। टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी, टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी की बात करें तो पहला आएगा टेस्ट विद BACL टू CACL टू। टेस्ट विद BACL टू एंड CACL टू। अब देखो CACL टू की रिएक्शन अगर थायो सल्फेट से कराए तो क्या बनेगा, और बेरियम तो क्या बनेगा। मैंने आपको थायो सल्फेट का की पॉइंट दिया था, नहीं दिया था? सारे व्हाइट। मैंने आपको थायो सल्फेट का की पॉइंट दिया था, नहीं दिया था? ऑल आर व्हाइट। तो कैल्शियम थायो सल्फेट भी व्हाइट, बेरियम थायो सल्फेट भी व्हाइट। अभी तक हमेशा पढ़ते हैं, इतिहास चला हुआ है, आया ना? तो आंसर है नो पीपीटी, बिकॉज कैल्शियम थायो सल्फेट इज सोल्यूबल। यही आई टी कंफ्यूज हो गया ना? अभी अभी आपको बताया था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम थायो सल्फेट सोल्यूबल, स्ट्रॉन्शियम स्पेरिंगली सोल्यूबल, बेरियम वाला इनसोल्यूबल था। तो सेकेंड है में सिर्फ बेरियम वाला इनसोल्यूबल था, इसलिए बेरियम का ही पीपीटी आएगा और ये बेरियम का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में जब ये अलग हो गए, क्या वाला जल्दी बताओ? पहली बार ऐसा हुआ जब अलग हो गए ये दोनों। देखो अब जुदा हो गए, ये सोल्यूबल हो गया और ये पीपीटी हो गया, वरना ये हमेशा साथ आ रहे थे अभी तक। इसलिए कहता हूं सबसे पहले आयन की सोल्युबिलिटी पढ़ें, सोल्युबिलिटी याद होने से पीपीटी रिएक्शन अपने आप समझ में आ जाती है। अगला टेस्ट विद AgNO3। टेस्ट विद AgNO3। इसको देख के ऐसी फील आ रही कि कहीं बताया गया था ये, सोचो। हाँ बताया गया था, यस। ये सल्फाइट में आई थी ऐसी कैसी रिएक्शन, सल्फाइट में क्या किया था अपन ने, जैसे AgNO3 डाला था तो सल्फाइट से पहले इनिशियली नो विजिबल एक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, फिर AgNO3 डाला था तब व्हाइट पीपीटी आया था। फिर बाहर से अगर सोडियम सल्फाइट फिर से डाल दो तो फिर वो पीपीटी सोल्यूबल हो गया था। सेम रिएक्शन, थायो सल्फेट AgNO3 डाला तो इनिशियली नो विजिबल एक्शन, क्या लिखेंगे यहां पर आप? इनिशियली नो विजिबल एक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, इनिशियली नो विजिबल एक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। फिर आपने उसमें क्या डाल दिया, एक्सेस ऑफ AgNO3, क्या डाल दिया, एक्सेस ऑफ AgNO3, ठीक है। तो ये एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दिया इसमें, जैसे ही आपने इसमें डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा ये, और ये जो व्हाइट पीपीटी होता है सिल्वर का, ये जनरली मैंने बताया था सोल्यूबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड अमोनिया सोल्यूशन। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा आ गया साइनाइड, साइनाइड के साथ भी रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और ये एक एक्स्ट्रा जो आया हाइपो सोल्यूशन, इसका मतलब समझाता हूं। साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये, अपन आगे पढ़ते हैं, वैसे ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके साथ। अब हाइपो सोल्यूशन कौन होता है, ये इसी का नाम है हाइपो सोल्यूशन, ठीक है। हाइपो सोल्यूशन कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट को, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सोल्यूशन होता है, और अगर ये डाल दें तो ये वापस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना, ये वाला, ये वापस कॉम्प्लेक्स बन गया ये वाला, आया ना। तो ये जो आपका सिल्वर थायोसल्फेट है, जब इस सोडियम थायोसल्फेट वापस डालेंगे तो ये पीपीटी हो जाएगा, तो यानी कि सिल्वर थायोसल्फेट हाइपो सोल्यूशन में भी सॉल्युबल होता है। एक की पॉइंट दो, सारे थायोसल्फेट हाइपो सोल्यूशन में सॉल्युबल होंगे क्योंकि वो सब इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अभी आई की रिएक्शन है तब बता दूं, ठीक है। नोट, एक नोट और है, ये जो सिल्वर थायोसल्फेट है ये अनस्टेबल होता है, टर्निंग डार्क, ठीक है, ऑन स्टैंड, यानी कि अगर ये सिल्वर थायोसल्फेट आप बना रहे हैं तो ये थोड़ी देर बाद जो है वो टूट जाएगा। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने, अगर आप सिल्वर थायोसल्फेट बना रहे हैं तो ये थोड़ी देर बाद टूट जाएगा क्योंकि अनस्टेबल होता है, और टूट करके बना देगा Ag2S। लेकिन अगर आप थोड़ी देर भी इंतजार नहीं करना चाहते हो, थोड़ी जल्दी करना चाहते हो, तो आप इसे एक्वस सस्पेंशन को बॉईल कर लो। अगर आप इस एक्वस सस्पेंशन को बॉईल कर लेंगे तो आपके पास Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटी और H2SO4 बन जाएगा। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने, अगर आप इस एक्वस सस्पेंशन को बॉईल कर लेंगे, अगर आप इस एक्वस सस्पेंशन को बॉईल कर लेंगे तो जल्दी से आपके पास Ag2S आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, Ag2 अनस्टेबल होता है डार्क। एक खास बात और होती है, पैराग्राफ करने में मदद मिलती है, ये सिल्वर थायोसल्फेट होता है, ये सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट होता है यूज्ड इन फोटोग्राफी, और ये होता है फॉर्म्ड इन फोटोग्राफी, क्या बोला जाएगा, ये सिल्वर थायोसल्फेट है, ये फॉर्म्ड इन फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी बनता है और ये यूज होता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, क्या होती है कैसे होती है कुछ नहीं मतलब है, वो सब वहां आएगा डी ब्लॉक में, यहां कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये क्यों लिखवाया जा रहा है, क्योंकि अभी जब आप सॉल्ट एनालिसिस के सवाल करोगे तो उन सवालों के अंदर जब सल्फाइट और थायोसल्फेट की रिएक्शन सिल्वर के साथ आएगी तो आप कंफ्यूज होगे, आप ये कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हिंट आएगा कि एक कॉम्प्लेक्स एक्स बन रहा है जो फोटोग्राफी में बनता है सिल्वर थायोसल्फेट, खट से कर पकड़िए आप, क्योंकि सल्फाइट वाला नहीं बनता। एक रिएजेंट एक्सिस में डालने पर जो व्हाइट पीपीटी था वो सोल्यूबल हो गया, और ये जो रिएजेंट था वो रिएजेंट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, खट आ गया, सोडियम थायोसल्फेट था ये जिसने सोल्यूबल किया, इसको हिंट के लिए दिया जाता है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। अगला टेस्ट विद, लेड नाइट्रेट,
है। देखो इधर, अब लेड थायोसल्फेट से कराते हैं तो यहां पर भी वही हो रहा है कि इनिशियली, जल्दी बोलो, इनिशियली नो विजिबल एक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। बाहर से आपने अगर ये डाल दिया एक्सिस में लेड नाइट्रेट, तो लेड थायोसल्फेट का व्हाइट पीपीटी, सोल्यूबल होगा डाइल्यूट HNO3 में, ये एक लाइन एक्स्ट्रा आई है एक्सिस ऑफ NaOH। मैंने आपको बताया था कि लेड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, अगर वो एम्फोटेरिक है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो एम्फोटेरिक है तो इसका मतलब क्या है, बोलो, अगर वो एम्फोटेरिक है तो इसका मतलब यह है कि वो एक्सिस ऑफ NaOH में सोल्यूबल होगा। हाइपो में सब बता ही दिया, सारे सोल्यूबल होंगे, ये अनस्टेबल नहीं होता, ये रखा रहेगा व्हाइट पीपीटी आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इसे से जब आप बॉइल करोगे तभी ये टूटेगा, ठीक है। एक की पॉइंट और है, जितने भी थायोसल्फेट होते हैं वो सब टूट करके अपने किस में आते हैं, सल्फाइड में, वो व्हाइट होते हैं और ये सल्फाइड में आ गया ये ब्लैक, ठीक है। तो ये आपका लेड वाला भी कंप्लीट। देखो इधर, टेस्ट विद मरकरी नाइट्रेट और बिस्मिथ नाइट्रेट है, ये थायोसल्फेट है, इसके अंदर जैसे ही आपने मरकरी नाइट्रेट डाला तो मरकरी थायोसल्फेट बनेगा, यहाँ पीपीटी आ जाता है, ठीक है। वहां पर सोल्यूबल था लेकिन यहाँ इनिशियली क्या हो रहा है, पीपीटी आ रहा है, बिकॉज जितनी भी कंसंट्रेशन डालते हैं वो पीपीटी के लिए सफिशियंट होती है। आपको एक डाउट आएगा कि सर ये पीपीटी आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें कैसे पता चलेगा। देखो ये चीजें तो KSP से डिपेंड करती है, किसी का KSP अगर ज्यादा है तो वो सोल्यूबल रहता है इनिशियली, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद आपके टेस्ट आते हैं ना, ये सब अपने पढ़े हैं। और अगर किसी का कंसंट्रेशन कम है तो फिर पीपीटी नहीं आएगा। अब मान लीजिए आपने जो कंसंट्रेशन डाली उसी पर उसका KSP से एक्सीड हो गया कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियस सी बात है पीपीटी आएगा। तो ये सब आपने आईने के किलबरों में पढ़े होंगे और मैंने भी बताया था आपको, ठीक है। तो यहां पर आप ये चीज नहीं पूछ सकते हैं। तो थायोसल्फेट से रिएक्ट करके मरकरी थायोसल्फेट का व्हाइट पीपीटी, ये बिस्मिथ थायोसल्फेट का व्हाइट पीपीटी, मरकरी थायोसल्फेट को बॉइल किया तो क्या, जितने थायो सल्फेट है सारे के सारे किसमें टूटते हैं, सल्फाइड में, ये टूट गया, ये टूट गया, ये सारे हाइपो सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। आया ना।
ठीक है। अब एक खास बात बताता हूं आपको, 2014 की कहानी है, चित्रांग भैया के टाइम पर। ये जो सवाल था ना, Bi2S3, इसका कलर मैंने लिखा था ब्राउनिश ब्लैक। और जब ब्राउनिश ब्लैक लिखवाया था, तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताई क्या है? एडवांस में आ गया सवाल, वो भी इंटीजर में। ओ माय गॉड, इंटीजर सवाल, सोचो ब्राउनिश ब्लैक इंटीजर सवाल। और सवाल क्या था कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट, उसमें ऑप्शन ही है। अब हमारे चार टॉपर थे उसमें, AIR 1, 3, 7, 8 और एक अपना 27। तो दो सवाल, दो आंसर करके आए 6 और दो बच्चे करके आए 7, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, ब्राउनिश ब्लैक, ब्राउन है तो उन्होंने ब्राउन के हिसाब से टिक कर दिया। कईयों ने बोला ब्राउनिश ब्लैक तो ब्लैक है, तो उन्होंने 7 कर दिया। पूरा इंस्टीट्यूट जितने कोटा के सबने 7 आंसर, मैं अकेला जिसने, गरीब ने 6 और 7 दोनों आंसर। जब 6 और 7 दोनों आंसर दिए तो बड़े हंसे मेरे पे लोग, बोला यार कोई अगर ब्लैक है तो ब्राउन कैसे हो सकता है, और अगर कोई ब्राउन है तो ब्लैक कैसे हो सकता है, ऐसे मेरे को कहने लगे। दूसरी बात, सब लोग ऐसे घूरने लगे, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, दो बच्चों की रैंक खराब होगी और दो की अच्छी होगी, तो कुल मिलाकर के दो की ही अच्छी होगी। दो तो गए, उनमें चित्रांग भैया भी थे, और AIR 1 गया, तो सोच सकते हो आप, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा ठीकरा किसके ऊपर फूटता है, समझ गया? बहुत बड़ा नुकसान था उस समय, अगर फर्स्ट रैंक नहीं आ रही है तो। अब क्या करें? सबने मेरे को फोन घुमा दी, बाहर के सेंटर से भी फोन आने लगे, फिजिक्स वालों ने तक ने फोन घुमा दिया बाहर के सेंटर से, कि अरे सर ये तो 2 7 है, तो 7 मतलब 6 और 7 कैसे हो सकता है सर, 7 ही होगा ये तो, 6 और 7 नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई ब्लैक है तो ब्लैक ही है, फिर वो ब्राउन कैसे हो सकता है। वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया भाई साहब, हर टीचर मजे ले रहा, मेरे क्लास में बच्चों को और बोल दिए, बच्चे भी मेरे मजे ले रहे, क्या सर अगर कोई ब्राउन है तो ब्लैक होता है क्या? फिर पीछे से आवाज, इनऑर्गेनिक में होता है, इनऑर्गेनिक में होता है, ऐसे करके खूब मजे उड़ाए मेरे। अब मैं क्या करूं साला, चुपचाप गया नीचे गर्दन करके पढ़ा गया, आ गया कोई बोले तो मेरे सामने, बस इतना ही, सर बताओ ना सर प्लीज। अब मैं कहता चुपचाप पढ़ ले, टिका दूंगा साले। बट रिजल्ट आया AIR 1, आंसर की 6 और 7। अकेला ऐसा था जिसके 6 और 7 दिया था, अकेला ऐसे आंसर की आई थी जिसमें 6 और 7 था। फिर मैंने बोला बेटा यही IT, इसीलिए मैं बोलता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, क्योंकि इन अर्थ क्रस्ट से जो अपीरियंस होता है उस पर बेस्ड होता है कलर। अब जब आप इसको अर्थ क्रस्ट से निकालते हो, तो कुछ जगह ये ब्राउन निकलता है, कुछ जगह ये ब्लैक निकलता है, समझ गए बात को? क्योंकि वहां मिनरल का कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है, यहाँ मिनरल का कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है, तो कलर डिफरेंट आ सकता है वो। तो अर्थ क्रस्ट से निकलने के बेसिस पर इसका कलर अलग अलग है, तो कलर अलग अलग है इसलिए ये ब्राउन और ब्लैक दोनों दिखाई दे सकता है, इसलिए ब्राउनिश ब्लैक लिखे जाते हैं। पॉइंट को समझे आप? इसलिए IIT ने 6 और 7 दिया था, पूरे इंस्टीट्यूट में सबने 7 दिया था, हर जगह, कई जगह आप देखोगे तो ये लिखा मिलेगा कि आप ब्लैक होता है, कई जगह ब्लैक मिलेगा इसका आंसर आप। फिर बेटा मैं क्लास में जब गया था, मैंने बोला यही IIT। आप समझ में आया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे हाईली कंसेप्चुअल है? तब तो बच्चों ने कहा हाँ सर, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, ये ब्राउनिश ब्लैक जी का एक सवाल। अब मैं आपको कह रहा था कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे के सारे थायोसल्फेट जो है वो सल्फाइड में टूटते हैं, तो जरा देखना इधर, कॉपर भी आएगा, अभी कॉपर नहीं पढ़ाया मैंने, है ना? चलो कॉपर पढ़ाएंगे तब समझ लेना अपने आप। ये आ गया, ये -2 होता है, पता ही है सबको, ये +6 होता है। ऐसा नहीं लग रहा है सारे हाई पोलराइजिंग पावर वाले के टाइम से, आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था फजान्स रूल, हाई पोलराइजिंग पावर, तो जब हाई पोलराइजिंग पावर वाले होंगे तो ये तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देंगे अपनी ओर, जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ये बॉन्ड वीक होने लगता है, याद है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर शिफ्ट होगा तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा अपनी ओर, क्योंकि ये sp2 था और ये sp3 था, तो sp2 अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और आपने क्या किया हुआ इसको बॉइल, बॉइल करने पर ये टूट जाएगा बॉन्ड तुरंत, ये बॉन्ड ब्रेक, यहां से सीधा बनाओ आप Ag2S, PbS, Bi2S3 और HgS, इसलिए सारे सल्फाइड में टूटते हैं ये तुरंत जाकर के। और ये SO3 बचा, ये SO3 H2SO4 में आता है, किसमें लिया आता है? ये H2SO4 में, किसमें लिया आता है? H2SO4। क्लियर?
ये आपकी एक टाइप की रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इसको नोट कर लें, याद कर लें अच्छे से, थायोसल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे।